अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 80% है तो लोग समझते हैं कि 80% चांस है हमें डिजीज़ नहीं हो सकती और 20% चांस है कि हमें डिजीज़ हो सकती है। तो अगर मैं आप सपोज़ वैक्सीनेटेड हो 80% एफिकेसी वाली वैक्सीन से और आपको उठा के ऐसे ही कोविड वार्ड में रख दूं, तो ट्रस्ट मी 100% चांस है कि आपको कोविड-19 डिजीज़ हो जाएगी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एफिकेसी ऑफ अ वैक्सीन? सी, एफिकेसी जो है एक रिलेटिव रिस्क है। ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते हैं रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान। सपोज़ किसी वैक्सीन की एफिकेसी 80% है तो दैट मीन्स कि 80% कंपैरेटिवली कम चांस है कि आपको डिजीज़ होगी एज कंपेयर टू एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव रिस्क। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने 100 लोगों का ग्रुप लिया, उसमें से 50 लोगों को उसने वैक्सीन लगाई और 50 को वैक्सीन नहीं लगाई, और इनको सेम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज किया। फिर एक थोड़े पीरियड के बाद उसने वापस से उनको बुलाया और अब चेक किया कि कितने लोगों में डिजीज़ हुई और कितने लोगों में डिजीज़ नहीं हुई। सपोज़ अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में 25 लोगों को डिजीज़ हो गई, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50%, एग्जैक्टली 50%, और इधर वैक्सीनेटेड वाले ग्रुप में 5 लोगों को डिजीज़ हुई कोविड-19, तो दैट इज़ 10%। सो द रिस्क ऑफ डिवेलपिंग अ डिजीज़ व्हाइल यू आर वैक्सीनेटेड वॉज 10% एंड द रिस्क ऑफ डिवेलपिंग द डिजीज़ इफ़ यू आर अनवैक्सीनेटेड इज 50%। अब ये इंडिविजुअल रिस्क हैं। जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, वॉट वी गेट इज़ अ रिलेटिव रिस्क। सो वेन यू कंपेयर द 10% ऑफ द वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन विद द 50% ऑफ द अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, वॉट यू गेट इज रिलेटिव रिस्क एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 0.2 और 20%। सो इसका मतलब बस ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है उन्हें 20% चांस है एज कम्पेयर टू जो लोग अनवैक्सीनेटेड है डिजीज़ होने का। या इसे मैं एफिकेसी के टर्म्स में समझाऊं तो 100 - 20 इज 80, दिस इज़ द एफिकेसी। सो इन मोर सिंपलर टर्म्स, अ पर्सन वैक्सीनेटेड इज 80% लेस लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19 एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज अनवैक्सीनेटेड इन द सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो आई होप मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाया हूँगा। इफ यस, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।